अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया आपको, 34.3 मल्टीप्लाई 46.3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट 34, इसको अप्रोक्सीमेट 46 ले लूँ, है ना, तो ये हुआ 40-6 मल्टीप्लाई 40+6, है ना, 40 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, है ना, तो 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 1600 माइनस 36 1564, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर है, अप्रोक्सीमेट आया हमारे पास 1564। लेकिन 0.3 और 0.3 है ना, तो अब मतलब ये 34 नहीं है एग्जैक्ट, 34.3 है, ये 46 नहीं है, 46.3 है। तो जो हमारे पास एक्चुअल आंसर रहेगा, तो हमारे पास जो एक्चुअल आंसर है वो इससे ज़्यादा है, क्योंकि दिया हुआ नंबर जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आया उससे ज़्यादा है। अगर तो ऑप्शन में आपके पास इसके आसपास की कोई ऑप्शन है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर हम इसको एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे। मैं इसको सिंपल करने के लिए 34+0.3 मल्टीप्लाई 46+0.3, ठीक है। अब a प्लस बी और c प्लस डी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो इस पार फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई होगा और सेकंड भी फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, उसके बाद सेकंड इससे मल्टीप्लाई होगा और सेकंड भी सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। ऐसी मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग, है ना, a प्लस बी और c प्लस डी की मल्टीप्लीकेशन करनी है तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 34 को 46 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देन 0.3 को 46 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यानी कि 34 मल्टीप्लाई विद 46 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई विद 46 प्लस 34 मल्टीप्लाई विद 0.3 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, ठीक है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या रहे, 1564। इसको मल्टीप्लाई करें तो, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 13.8 और ये आएगा 10.2 और ये आएगा 0.09, ठीक है। और अगर इस सबको सॉल्व करें तो आएगा 1588.09, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोग इस कैलकुलेशन को तो इग्नोर कर सकते हैं लेकिन इस वाली कैलकुलेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए कि हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट निकाला था 1569 और 1588 में कितना डिफरेंस है, है ना। अब मान लो कि ऑप्शन इन दोनों के मिड का हो, फिर हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट किया था ना, तो अगर इन बिल्कुल ही क्लोज हो, इसके क्लोज हो, तो हम अप्रोक्सीमेट अबव मान के जरा तो हो सकता है हम उसको सिलेक्ट कर ले, है ना। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम इसको इग्नोर करें, इसको इग्नोर ना करें, इसको कैलकुलेट करें। जो नंबर है उसको हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन की है उसके साथ इसको जरूर कैलकुलेट करें, ठीक है। अगर हमें कोई नंबर इस तरह से दिया गया है मल्टीप्लाई करने के लिए तो हम उसको इस तरह से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे और इसको ऐड करेंगे ताकि हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुँच सकें। अब हमने ध्यान ये बात भी रखनी है कि हमने अगर मल्टीप्लीकेशन करनी है तो हमने किसी नंबर को ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना और किसी नंबर को ज़्यादा डिक्रीज नहीं करना, क्योंकि अगर हम किसी नंबर को ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज कर लेते तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है उससे बहुत अप चला जाएगा अप्रॉक्सीमेट या बहुत डाउन चला जाएगा, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं हम फाइंड आउट कर सकते। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपको अगर कुछ नंबर इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो मामले से इंक्रीज डिक्रीज करिए ताकि आपको आपका जो आंसर है जो अप्रॉक्सीमेट आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर के आसपास ही रहे, ठीक है। अब हमने ये जो कैलकुलेशन किया है ये मल्टीप्लीकेशन में किया है, अगर ये इसी जगह इसकी जगह डिवीजन होता तो हम ये मल्टीप्लीकेशन ना करते, अवॉइड करते। क्यों? क्योंकि जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास जो डिवीजन करके आता है वो बहुत कम आता है, जो डिफरेंस आता है ना वो बहुत कम आएगा। लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई तो दुगुना हो जाता है, तीन गुना हो जाता है ना, जो जितना भी मल्टीप्लीकेशन का नंबर है उतना गुना हो जाता है, वो तो वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन के केस में इस पार्ट को जरूर ऐड करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करते वक्त इसको जरूर कैलकुलेट करेंगे।
अब मान कोई नंबर है हमारे पास जो ऐड करने हैं हमें 18 + 29, कोई भी नंबर है, हम इसे ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, इसे ज्यादा डिक्रीज नहीं करेंगे, या इसको ज्यादा डिक्रीज नहीं करेंगे, इसको ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी इनको ऐड करके एग्जैक्ट आंसर आएगा उससे बहुत कम ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि हम लोग जो भी नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन के टाइम पे, तो उतना ही करें कि वो अप्रोक्सी रहे, दूसरे के आसपास ही रहे। तो ये ध्यान रखिए कि जब हम एडिशन और मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है कि हम एक नंबर को इंक्रीज करते हैं और दूसरे नंबर को डिक्रीज करते हैं ताकि बैलेंस रहे, ठीक है। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन केस में क्या करते हैं, दोनों या तो इंक्रीज करेंगे या दोनों को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए स्मार्ट वे में, ठीक है, और आप इन सब पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।